बेटा आज हम लोग चलते हैं आगे। मैंने अपनी लास्ट क्लास में जो आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो निकालने के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्ट नया है कि प्रोडक्ट पुराना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर प्रोडक्ट नया है तो ऑब्वियस ही बात है आप अगर वो काम पहली बार कर रहे हैं। ओहो सर, ये फोन साइलेंट पे करो सर, डिस्टर्ब करता रहता है आपका फोन। ओके, तो पॉइंट ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस ही बात है आप उसे जब पहली बार बनाओगे तो आपको काम वाम करने का या उसको बनाने का बहुत बढ़िया तरीका नहीं आता होगा। लेकिन बार 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 जब आप वही प्रोडक्ट बार बार बनाते जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको वो प्रोडक्ट बनाने का हर बार बेहतर तरीका आता जाएगा, और दूसरी बात आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी सेम काम को करने की, और इस वजह से आपको लगने वाला टाइम हर यूनिट के साथ में कम होता जाएगा जब तक कि आपकी लर्निंग वाली स्टेज चल रही है। और जब आपकी लर्निंग वाली स्टेज खत्म हो जाएगी उसके बाद में ये टाइम रिड्यूस होना बंद हो जाएगा। अब अगर आपका पुराना प्रोडक्ट है तो आपकी लर्निंग वाली स्टेज खत्म हो चुकी है, और लर्निंग वाली स्टेज अगर आपकी खत्म हो चुकी है तो ऑब्वियस ही बात है अब आपका टाइम रिड्यूस नहीं हो रहा। इसलिए कल की क्लास में जब हमने सवाल किए थे तो हमने सिंपल बोला था, भाई एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, 1000 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 2000 घंटे, 3000 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 6000 घंटे। तो हम वहां पर यूनिट 2 घंटे का ही टाइम ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हमारा रेगुलर प्रोडक्ट था और उसकी लर्निंग वाली स्टेज जो है वो कब की खत्म हो चुकी है, और लर्निंग वाली स्टेज खत्म हो चुकी है तो उसमें टाइम रिड्यूस नहीं होता है। लेकिन दोस्त, अगर आपका नया प्रोडक्ट है और आपको पहला यूनिट आपने बनाया, पहला यूनिट बनाने में आपको 2 घंटे लगे, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 1000 यूनिट बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो याद रखो 1000 यूनिट बनाने में आपको 2000 घंटे नहीं लगेंगे, क्योंकि आप लगातार काम को सीखोगे, और सीखोगे तो आपको लगने वाला जो टाइम है वो कम होता जाएगा, और जो टाइम कम होता जाएगा तो आपको 2000 घंटे नहीं लगेंगे, हो सकता है 1500 घंटे लगे, 1400 घंटे लगे, आपको 2000 घंटे नहीं लगेंगे, उससे कम लगेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर नया प्रोडक्ट है तो आपको 2000 घंटे नहीं लगेंगे, 2000 घंटों से कम लगेंगे। अब सोचो अगर मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहा हूं, और लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए मैंने, सुन लो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए अगर मैंने स्टैंडर्ड आवर्स 2000 ले लिए तो ऑब्वियस ही बात है लेबर कॉस्ट वेरियंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आवर्स गलत है। तो भाई अब तो अपने को कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर आता है इन्वॉल्वमेंट लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट का, और लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बताता है कि यदि आप लर्निंग स्टेज में हो, प्लीज सुनो, लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट बताता है यदि आप लर्निंग स्टेज में हो तो लर्निंग वाली स्टेज में जो स्टैंडर्ड आर्स हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो एक्सपेक्टेड टाइम किस तरीके से निकालते हैं, वो हमें बताता है कौन, लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट। तो याद रखिए बेटा, लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी काम आएगा जब लर्निंग स्टेज चल रही है, और जब लर्निंग स्टेज खत्म हो जाएगी तो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बेटा कुल मिलाकर बात यह है कि अगर लर्निंग वाली स्टेज चल रही है तो आपका स्टैंडर्ड आर्स निकालने का तरीका अलग होगा, और वो तरीका क्या होगा वही मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। और अब बच्चे बोलते हैं सर वो तो ठीक है, लेकिन आपने फिर लॉग क्यों सिखाए? क्योंकि लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है इसे अप्लाई करने के लिए आपको लॉग टेबल का इस्तेमाल करना होगा, और बच्चों अगर लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है तो कम से कम इस्तेमाल करना आना भी तो चाहिए। ठीक, तो इस वजह से ओके दोस्त, आइए मेरे साथ में आप लोग लिखना शुरू करें लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट। लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड आर्स। हां जी बेटा, स्टैंडर्ड आर्स को कैलकुलेट करने के लिए लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई होता है? देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आप एक बात ध्यान रखो, सुनो सुनना भाई बहुत ध्यान से बेटा, लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी काम करेगा जब प्रोडक्ट नया हो या वर्कर नया हो। आप मुझे बताओ, यदि काम नया है तो आपकी लर्निंग स्टेज होगी, और अगर वर्कर नया है तो भी लर्निंग स्टेज होगी। इसका मतलब यह हुआ कि लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब आप लर्निंग स्टेज में होते हो, और लर्निंग स्टेज कब होती है? जब वर्क नया हो या वर्कर नया हो। लिखे, this concept
will apply only when we are in learning stage. We are in learning stage. This learning stage exists in following two situations. बेटा ये जो लर्निंग वाली स्टेज है, ये लर्निंग वाली स्टेज दो सिचुएशन में अराइज होती है. पहला, व्हेन प्रोडक्ट इज न्यू, और दूसरा व्हेन वर्कर इज न्यू. तो आप ये ध्यान रखिए बेटा, जो लर्निंग स्टेज है ये लर्निंग स्टेज सिर्फ दो ही सिचुएशन में चलती है, एक जब प्रोडक्ट नया हो और दूसरा जब वर्कर नया हो. अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक और बात ये ध्यान रखना कि लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी रोल में आता है जब आपके प्रोडक्शन का काम मैनुअल है. अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन का काम ज्यादा मशीनों से करते हो तो वहां पर लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, क्योंकि सीखता हमेशा इंसान है, मशीनें नहीं. तो मशीनें कभी सीखती नहीं है, इंसान सीखता है. तो याद रखना कि लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट वहीं पे लगेगा जहां पे प्रोडक्शन लेबर ओरिएंटेड है. अगर लेबर मशीन ओरिएंटेड है तो वहां पे लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता. लिखें, दिस कॉन्सेप्ट विल अप्लाई only when production is labor oriented. It will not apply. It will not apply if production is machine oriented. बेटा अगर production machine oriented है तो यह concept apply नहीं होगा, और अगर ये labor oriented है तो यह concept apply होगा. क्यों? क्योंकि सीखता हमेशा labor है, सीखता हमेशा इंसान है, मशीनें कभी नहीं सीखती. आप एक बात मुझे बताओ, तुमने प्रिंटर में एक नया प्रिंटर लेकर के आए, अब नए प्रिंटर पे तुम पहला प्रिंट आउट लोगे तो भी उतना टाइम लगेगा और 100 प्रिंट आउट लोगे तो भी उतना टाइम लगेगा, क्योंकि प्रिंटर सीखता नहीं है. लेकिन हाँ, अगर तुम जीवन में पहली बार प्रिंट कमांड दे रहे हो तो तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, और दूसरी बार जब प्रिंट कमांड दोगे तो तुम्हें कम टाइम लगेगा, है ना. अच्छा, तीसरी बात, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली. ये ध्यान रखना, लर्निंग कर्व का जो इफेक्ट है, लर्निंग के कॉन्सेप्ट का जो इफेक्ट है, वो सिर्फ लेबर कॉस्ट और लेबर रिलेटेड कॉस्ट पे ही पड़ता है. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आप अगर कभी सोचो कि सर लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट मटेरियल कॉस्ट में नहीं लगता. सर क्यों? जैसे मान लीजिए मेरे को एक दीवार बनाने का काम मिला. अब मेरे को अगर एक दीवार बनाने का काम मिला तो मैं दीवार को चाहे पहली बार बनाऊं चाहे 100वीं बार बनाऊं, लेकिन लगने वाली ईंटें उतनी ही लगेगी. अगर एक दीवार को बनाने में 100 ईंटें लगनी हैं तो मुझे पहली बार में भी 100 ईंटें लगेगी, और 500 बार भी बना लूं उसी दीवार को तो भी मुझे 100 ही ईंटें लगेंगी, मुझे कम ईंटें नहीं लगेंगी. लेकिन हां, उस दीवार को बनाने में लगने वाला जो टाइम है वो मेरे लिए कम होता जाएगा. तो ध्यान रखना, लेबर और लेबर से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, जैसे कि वेरिएबल ओवरहेड, अगर वेरिएबल ओवरहेड भी लेबर आवर्स पे बेस्ड है तो बेटा लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और लेबर, इन दोनों पे लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट काम करेगा. तो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट सिर्फ काम करेगा लेबर कॉस्ट पे एंड लेबर रिलेटेड कॉस्ट पे. दिस कॉन्सेप्ट will apply on
लेबर कॉस्ट एंड लेबर रिलेटेड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड लेबर रिलेटेड कॉस्ट, बट विल नॉट अप्लाई ऑन मटेरियल कॉस्ट एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो आप ये ध्यान रखना बेटा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लेबर कॉस्ट पे अप्लाई करेगा, लेबर रिलेटेड कॉस्ट पे अप्लाई करेगा, लेकिन बेटा मटेरियल कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड पे काम नहीं करेगा। बोलिए बेटा क्या ये बात एकदम ठीक है? आप जरा सुनो। अब बेटा लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट बनाने वाले लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाया, उन्होंने ये तो देख लिया कि जो वर्कर है उसे लगने वाला टाइम लगातार कम होता जाता है जैसे जैसे वो काम को सीखता जाता है, लेकिन अब उन्होंने अपनी रिसर्च को एक फॉर्मूले का शेप देने का प्रयास किया, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाने का प्रयास किया कि यार हम एक फॉर्मूला बनाएं जिससे हमें पता चल जाए कि दूसरा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तीसरा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, चौथा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। ये कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्त अब तुमको मालूम है कि अब पॉइंट ये है कि उन लोगों ने प्रयास बहुत किया, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास करने के बावजूद वो ये फॉर्मूला नहीं बना पाए कि दूसरा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तीसरा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, चौथा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो नहीं बना पाए, वो फॉर्मूला नहीं बना पाए, लेकिन इस प्रयास में एक फॉर्मूला बन गया, और वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला है एवरेज टाइम का। मेरी बात को समझना। जैसे पहला यूनिट, एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लगे, तो आप मुझे बताइए एवरेज टाइम पर यूनिट क्या है? 10। दो यूनिट बनाने में टोटल 18 घंटे लगे, तो एक यूनिट बनाने का एवरेज टाइम क्या है? 9। तीन यूनिट बनाने में मुझे 24 घंटे लगे, तो एक यूनिट बनाने का एवरेज टाइम कितना है? 8। अब जरा बात को सुनो, जब लर्निंग कर्व डेवलप करने वाले लोगों ने अपना प्रयास किया फॉर्मूला बनाने का, तो वो ये नहीं बता पाए कि दूसरा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। हां जी, वो ये फॉर्मूला नहीं बना पाए कि दूसरा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, वो ये नहीं बता पाए तीसरा यूनिट बनाने में क्या टाइम लगेगा, वो चौथा यूनिट बनाने का टाइम कैलकुलेट करने का तरीका नहीं बना पाए, इसका फॉर्मूला नहीं बना पाए। लेकिन इस प्रयास में उन्होंने फॉर्मूला डेवलप किया, और जो फॉर्मूला उन्होंने डेवलप किया वो फॉर्मूला सिर्फ यही बता सकता है कि अगर आप दो यूनिट बनाते हो तो एक यूनिट को बनाने का एवरेज टाइम क्या लगेगा, वो ये बताने का फॉर्मूला उन्होंने बना लिया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब वो, अगर आप ध्यान से देखो तो पहला यूनिट कितने घंटे में बना? 10 में। दो यूनिट बने 18 घंटों में, तो आप मुझे बताइए क्या दूसरा यूनिट बनाने में 8 घंटे लगे? बेटा तीन यूनिट बने 24 घंटों में, तो सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ था 18 घंटे में और तीसरा यूनिट कंप्लीट हो गया 24 घंटे में, तो आप मुझे बताइए क्या तीसरा यूनिट बनाने में 6 घंटे लगे? तो पहला यूनिट बनाने में 10 घंटे लगे, दूसरा यूनिट बनाने में 8 घंटे लगे, तीसरा यूनिट बनाने में 6 घंटे लगे, ये मैं ऐसे तो बता सकता हूं, लेकिन लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली ये नहीं बता सकता कि सेकंड यूनिट बनाने में 8 घंटे लगे। समझ रहे हो मेरी बात? जो लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है वो मुझे ये नहीं बता सकता कि तीसरा यूनिट बनाने में 6 घंटे लगेंगे। हां, ये क्या बता सकता है? ये सिर्फ ये बता सकता है कि अगर आप टोटल दो यूनिट बनाते हो तो एवरेज टाइम क्या लगेगा, अगर आप टोटल तीन यूनिट बनाते हो तो एवरेज टाइम क्या लगेगा। ये लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही चीज बता सकता है, ये तीसरे यूनिट का टाइम नहीं बता सकता। इसका मतलब यदि मान लो आपको अगर ये पता लगाना है कि तीसरा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता करने पड़ेगा दो यूनिट बनाने का टाइम और तीन यूनिट बनाने का टाइम, फिर दोनों का जो डिफरेंस है वो तीसरे यूनिट का टाइम है। अब जैसे मुझे पता चल गया दो यूनिट बनाने का काम खत्म होगा 18 घंटों में और तीन यूनिट बनाने का काम पूरा होगा 24 घंटों में, तो मुझे समझ में आ गया कि तीसरा यूनिट बनाने में 6 घंटे लगेंगे, तो मैं ऐसे 6 घंटे निकाल सकता हूं।
लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास जो अवेलेबल है वो डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास में सिर्फ एवरेज टाइम निकालने का ही अवेलेबल है, मेरे पास में इंडिविजुअल यूनिट का टाइम निकालने का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। सर प्लीज आगे बढ़ो, सर हम बोर हो गए अब इस बात से। हाँ बेटा मैं भी बोर हो गया हूं, पर क्या करूं बेटा, ये वाली जो बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कॉन्सेप्ट की। तो आप ध्यान रखना, लर्निंग कर्व में कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको चौथे यूनिट में लगने वाला टाइम नहीं बता सकता, लेकिन जो लर्निंग कर्व का फॉर्मूला है वो आपको ये बता सकता है कि अगर आप टोटल चार यूनिट बनाते हो तो आपको एवरेज टाइम पर यूनिट क्या लगेगा। क्लियर है बात? ओके तो बच्चे मुझे बोलते हैं सर तो बताओ ना फिर वो फॉर्मूला क्या है जो एवरेज टाइम निकालता है। अभी सिखाते हैं बेटा, लो लिखिए बेटा, दिस कॉन्सेप्ट कांट कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट, टाइम टेकन फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट। बेटा एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा वो मैं नहीं बता सकता, फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट, बट इट कैन गिव एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट, इट कैन गिव एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट फॉर क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, फॉर क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन। इसका मतलब ये बता सकती है, ये बता सकता है कि आपको एक यूनिट बनाने में, मतलब आपको एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट क्या लगेंगे टोटल इतने यूनिट में, आपको यही बता सकता है। और जानते हो ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बेटा y इज इक्वल्स टू ax पावर b। अब कभी कभार तो बच्चे सोचते हैं सर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा इसमें लॉग की जरूरत कहां से आ गई, तो मैं आपको बताऊं लॉग की जरूरत पड़ेगी, अभी आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में। y का मतलब है एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट फॉर क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन। बेटा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन पे एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट क्या होंगे, ये y है, ठीक है। a का मतलब है लेबर आवर्स फॉर फर्स्ट यूनिट। बेटा जी पहला यूनिट बनाने में जो आपको टाइम लगा दैट इज कॉल्ड ए का मतलब पहला यूनिट बनाने में लगने वाला टाइम। एक्स इज इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटा एक्स का मतलब है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। और बेटा बी का मतलब होता है लर्निंग कर्व कॉफिशियंट, लर्निंग कर्व कॉफिशियंट। हां जी बेटा क्या होता है इसका मतलब, लर्निंग कर्व कॉफिशियंट। अब सुनो कितने पॉइंट हुए बेटा, चार। अब जरा ध्यान से सुनना पांचवा पॉइंट बच्चों। अब अगर मैं बात करता हूं लर्निंग कर्व कॉफिशियंट की, तो सबसे पहले लर्निंग कर्व कॉफिशियंट के लिए अपने को चाहिए होता है लर्निंग रेशियो। लर्निंग रेशियो का मतलब होता है कि आपका वर्कर काम को कितनी तेजी से सीखता है। लर्निंग कर्व रेशियो 90% भी हो सकता है, लर्निंग कर्व रेशियो 80% भी हो सकता है, लर्निंग कर्व रेशियो 70% भी हो सकता है, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर 60% नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन जो लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाले जितने भी लोग थे उनकी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि लर्निंग कर्व रेशियो 90, 80 या 70% ही होता है, 60%, 50%, 40% इतना लर्निंग कर्व रेशियो नहीं होता है।
अब बात यह आती है कि इस रेशो का मतलब क्या है। बच्चों इस रेशो का मतलब यह होता है कि अगर मेरा लर्निंग कर्व रेशो 90% है, इसका मतलब जब मैं काम को रिपीट करूंगा तो मुझे पहले के मुकाबले सिर्फ 90% समय लगेगा। अगर मेरा लर्निंग कर्व रेशो 80% है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं इसी काम को दोबारा करूंगा तो मुझे पहले से 80% टाइम लगेगा। और अगर मेरा 70% लर्निंग कर्व रेशो है तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इसी काम को दोबारा करूंगा तो मुझे पहले के मुकाबले सिर्फ 70% समय लगेगा, सिर्फ 70% टाइम जो है वो मुझे लगेगा। लेकिन अब अगर मैं इस हिसाब से पूछूं तो आप मुझे बताइए इनमें सबसे तेज वर्कर कौन है, मतलब कौन सा वर्कर सबसे दिमाग वाला वर्कर है, मुझे जल्दी से बताओ। हां जी, आप मुझे पक्का बोलने वाले हो कि सर जिसका लर्निंग कर्व रेशियो 90% है वो वर्कर सबसे तेज खोपड़ी वाला वर्कर है, वो सबसे तेज दिमाग वाला वर्कर है, क्योंकि उसको लर्निंग कर्व रेशियो 90% है तो सर वो सबसे इंटेलिजेंट है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल गलत आप लोग बोल रहे हैं। सबसे तेज वर्कर वो है जिसका लर्निंग कर्व रेशियो 70% है। अब तुमको इसका रीजन समझाता हूं, एक बात समझो। मैंने बोला अगर आपका लर्निंग कर्व रेशियो 70% है, इसका मतलब ये वाला वर्कर जब काम करेगा दोबारा, ये वाला वर्कर जब दूसरा यूनिट बनाएगा तो इसे 70% टाइम लगेगा पहले यूनिट के मुकाबले। और ये वाला जो वर्कर है 80% वाला, ये वर्कर जब इसी काम को दोबारा करेगा तो उसे 80% टाइम लगेगा पहली बार के मुकाबले। और ये वाला वर्कर जब काम करेगा तो इसको पहली बार के मुकाबले 90% टाइम लगेगा। इसका मतलब यदि पहला यूनिट बनाने में मुझे 10 घंटे लगे थे तो इस वर्कर को 9 घंटे लगेंगे, इस वर्कर को 7 घंटे लगेंगे और इस वर्कर को 8 घंटे लगेंगे और इस वर्कर को 7 घंटे लगेंगे। तो आप मुझे बताओ सेकेंड टाइम में किस वर्कर को सबसे कम टाइम लगा। तो बेटा सेकेंड टाइम में इस तीसरे वाले वर्कर को सबसे कम टाइम लगा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सबसे तेज सीखने वाला वर्कर कौन सा है जिसका लर्निंग कर्व रेशियो 70% है। तो ध्यान रखना उल्टी बात है, जिसका लर्निंग कर्व रेशियो सबसे कम है इसका मतलब सेकेंड टाइम काम करने पर इसी को सबसे कम समय लगेगा। और बेटा इसको सबसे कम समय लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है यही सबसे तेज सीखने वाला वर्कर है। ओके तो आप जरा देखें, लर्निंग कर्व रेशियो कैन बी, लर्निंग कर्व रेशियो 90% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है। बेटा अगर लर्निंग कर्व रेशियो 90% है इसका मतलब ये स्किल्ड वर्कर है, अगर 80% है तो ये 70% वर्कर है, और बेटा अगर ये 70% मैं उल्टा बोल रहा हूं, ये अनस्किल्ड वर्कर है, ये 70% वर्कर है, और बेटा जो 70% वाला है वो हाईली स्किल्ड वर्कर है, ठीक है। अब आप ऐसा समझो बेटा, ये जो हाईली स्किल्ड वर्कर है ये इंजीनियर कैटेगरी का आदमी है। अब ऑब्वियस ही बात है ये इंजीनियर कैटेगरी का आदमी है तो ये बहुत तेजी से सीखेगा। जो नॉर्मल वर्कर है पर ट्रेन्ड वर्कर है, वो सेमी स्किल्ड वर्कर है, वो उससे धीमा सीखेगा। और जो अनट्रेन्ड वर्कर है, जो अनस्किल्ड वर्कर है, वो सबसे स्लो सीखेगा। तो लर्निंग कर्व रेशियो 90% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है। सर क्या हमें सवाल में बताएगा हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये हमें बताएगा? तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये सवाल आपको बताएगा नहीं, सवाल आपको नहीं बताएगा, मतलब सवाल में आपको गिवन ही होगा कि लर्निंग कर्व रेशियो 90% है, लर्निंग कर्व रेशियो 80% है, लर्निंग कर्व रेशियो 70% है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको अपनी तरफ से कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ओके आगे सुनो, पॉइंट नंबर 6, लर्निंग कर्व कॉफिशियंट, लर्निंग कर्व कॉफिशियंट विल बी कैलकुलेटेड, लर्निंग कर्व कॉफिशियंट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। बेटा जी लर्निंग कर्व कॉफिशियंट कैलकुलेट करने का तरीका अब जरा देख लो बेटा।
लर्निंग कर्व कॉफिशियंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशियो अपॉन लॉग टू. लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशियो अपॉन लॉग टू. ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसी से बी की वैल्यू आ रही है, लर्निंग कर्व कॉफिशियंट की वैल्यू आ रही है. अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप कैलकुलेट करके बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे. तो मैंने बोला यार बहुत सिंपल है. कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला लर्निंग कर्व रेशियो, यदि लर्निंग कर्व रेशियो 90% है तो आप इसे कैसे निकालोगे. क्या फॉर्मूला ऐसा ही होगा, बी इज इक्वल्स टू लॉग 90 अपॉन 100 अपॉन लॉग 2. बी इज इक्वल्स टू लॉग 90 अपॉन 100. बेटा 90% को क्या बोल सकते हैं, 90 अपॉन 100 या 0.90, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है. अच्छा, अगर तुम फिर भी अटक जाओ कि नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं लिखूंगा, तो कोई बात नहीं, लिख लो लॉग 0.90. हमको तो डेसिमल में भी लॉग निकालने आते हैं, आते नहीं आते, आते हैं. तो जरा दिमाग लगा के अब आप मुझे बताएंगे जो बात मैं तुमसे पूछूंगा. b इज इक्वल्स टू, अपनी अपनी लॉग टेबल निकाल लो सर, लॉग 0.90 कैसे निकालोगे. सबसे पहले मुझे बताओ डेसिमल के पहले और बाद में कितने जीरो हैं, एक, तो लिख दो -1 प्लस. अब आप मुझे बताइए 90 की वैल्यू कैसे निकालते अपन. आपको पता है लॉग टेबल शुरू होती है 10 से, तो आप 9 की 9 में जीरो तो नहीं देख सकते, तो आप क्या देखते हो 90 में जीरो. तो जल्दी से बताओ 90 में जीरो कितना है, 0.9542. ओके, डिवाइडेड बाई लॉग 2. 2 कितनी डिजिट है, 1, माइनस कर दो 1, तो भाई बचा 0. तो 0. बेटा लॉग 2 है ना, 2 सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है, माइनस कर दिया 1, तो मेंटिसा कितनी आई, 0. अब 2 की वैल्यू कैसे देखते हैं, 20 में 0. तो जल्दी से अपनी लॉग टेबल निकालो दोस्त, वो लॉग टेबल जो है उसका इस्तेमाल करो, कुछ निकालो, बताओ 20 में 0 कितना, 3010. अब आप इसे सॉल्व कीजिए और ये आ जाएगा बेटा -1 प्लस 0.9542 डिवाइडेड बाय 0.3010. तो बेटा ये मेरे पास आ रहा है माइनस में 0.1522, माइनस में 0.1522. अच्छा, तुम्हें खुशी की बात बताता हूं, ये -1522 ये तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है. ये तो मैं तुम्हें सिर्फ कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, अदरवाइज तुम्हें सवालों में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गिवन ही होता है. ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं. मान लेते हैं यदि लर्निंग कर्व रेशियो इज 80%, लर्निंग कर्व रेशियो यदि 80% है तो क्या होगा. बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशियो अपॉन लॉग 2. ठीक बेटा, डेसिमल के पहले और बाद में टोटल जीरो है 1, तो मैंने कर दिया -1 प्लस. अब मुझे 0.80 है, तो बेटा 80 की वैल्यू बताओ जीरो में, 80 का जीरो 0.9031 होल अपॉन लॉग 2, तो लॉग 2 की वैल्यू है 0.3010. बेटा ऊपर निकाल रखिए, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 0.9031 डिवाइडेड बाय 0.3010. तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 0.3219, माइनस का 0.3219. हाँ जी, माइनस का 0.3219. बेटा आप मुझे जल्दी से बताइए, बात समझ में आ रही है. यह भी क्वेश्चन में गिवन होता है
और बेटा यदि आपका लर्निंग कर्व रेशो, यदि आपका लर्निंग कर्व रेशो यदि आपका 70% है, तो आप बीटा कॉफिशियंट कैसे, वो लर्निंग कर्व कॉफिशियंट कैसे निकालेंगे? लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशो अपॉन लॉग टू। अब आप मुझे बताइए डेसिमल के पहले और बाद में कितने जीरो है? एक। तो मैंने मेंटेसा लिख दिया -1 प्लस 70 की वैल्यू बताओ जीरो में, 70 का जीरो कितना? 0.8451 अपॉन लॉग टू की वैल्यू है 0.3010। बताइए बेटा कितना आ रहा है? -1 प्लस 0.8451 डिवाइडेड बाय 0.3010, तो ये आ रहा है बेटा माइनस का 0.5146, माइनस का 0.5146 ये वैल्यू आ रही है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए बेटा क्या ये बिल्कुल ठीक है? हां जी, आप मुझे बताइए बेटा इज इट ऑल राइट और नॉट? हां जी, क्या ये बिल्कुल ठीक है? चले आगे। चलो अब बेटा लर्निंग कर्व कॉफिशियंट जो है ये तो हमने निकालना सीख लिया, अब आगे की कहानी सुनो। कितने पॉइंट हो गए ये ध्यान रखना, लर्निंग कर्व कॉफिशियंट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, पर निकालना पड़े तो निकाल लेना, ठीक है? और 6 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 6, 7, चलो तुम बोल रहे हो तो पॉइंट नंबर 7 कर देते हैं। पॉइंट नंबर 7, हां जी पॉइंट नंबर 7 देखें। एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। हां जी बेटा, ये जो एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट है, अब इसे कैलकुलेट करने का तरीका सीख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनिएगा, और बेटा ये जो अपन लोग निकाल रहे ना एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट, ये ध्यान रखना दिस इज एक्सपेक्टेड, मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल इससे डिफरेंट हो सकता है। ये कौन सा वाला टाइम है? एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड मतलब स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है? अब जरा सुनो, जैसे अब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल कर रहे हो, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। देखो बेटा, अब मैं इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आ गया हूं, और इसके बाद में मैं डायरेक्टली सवालों को सॉल्व करने चला जाऊंगा। देखो बेटा, एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। कैसे? पहला कॉलम हम लोग बनाते हैं क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का। दूसरा हम लोग बनाते हैं एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट का, और तीसरा कॉलम होता है टोटल लेबर आवर्स का। ये लीजिए, ये तीन कॉलम, ठीक है? देखो बच्चों, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन में सबसे पहले मैं बोलता हूं, पहला यूनिट बनाने में मुझे 100 घंटे का समय लगा। तो आप मुझे बताइए, पहला यूनिट बनाने में अगर 100 घंटे लगे तो टोटल टाइम भी कितना लगा? 100 घंटे। हां जी, इज इट राइट और रॉन्ग? टोटल टाइम कितना लगा? 100 घंटे। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा लर्निंग कर्व रेशियो 90% है। आप मुझे बताओ, जब मैं 2 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो जरा सुनो, अब इसके लिए अपने को आवश्यकता है एक वर्किंग नोट की। फॉर 2 यूनिट्स, 2 यूनिट का बेटा हमारा लर्निंग कर्व का जो फॉर्मूला है वो है वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। अब ये कैसे होगा जरा देखो, वाई
बेटा y इज इक्वल्स टू, पहला यूनिट बनाने में मुझे लगे 100 घंटे, a का मतलब क्या होता है पहला यूनिट बनाने में लगने वाला टाइम, इंटू x, x मतलब टोटल प्रोडक्शन 2 यूनिट, पावर b लर्निंग कर्व कॉफिशियंट, तो आप जरा ध्यान से देखो 90% का लर्निंग कर्व कॉफिशियंट कितना था, देखो -0.1522, तो ये आ गया -0.1522, ये लीजिए बेटा, बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉल्व करो और मुझे बता दो बेटा एवरेज टाइम कितना, हां बस कर दो ना इसे सॉल्व। लेकिन अब आप समझ गए 2 की पावर 2 या 2 की पावर 4-5 नहीं है, 2 की पावर है -0.1522, और ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, यस, तो आपको जरूरत पड़ेगी लॉग की, तो आपको दोनों साइड में लॉग ले लो, तो आप लोगे लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग। अब आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि लॉग a इंटू बी को अपन क्या लिखते हैं, लॉग a प्लस लॉग b। नंबर दो, अगर लॉग में पावर अगर आ रही है -0.1522 तो हमेशा पावर कहां जाती है, पहले। अब आप मुझे बताइए, मैंने लिखा लॉग a प्लस लॉग b, एक मिनट सुन लेना, लॉग a प्लस लॉग b, सही बात है। लेकिन आपको पता है लॉग a पावर x को अपन कैसे लिखते हैं, पावर हमेशा पहले आ जाती है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिखूं लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग b, ऐसा लिखूं बेटा पावर पहले आ जाएगी, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये बाहर प्लस है अंदर माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं लॉग 100 -0.1522 लॉग 2, हां जी सही है। अच्छा अब आप मुझे वैल्यू बताओ, लॉग y इज इक्वल्स टू 100 कितने डिजिट है, 1, 2, 3 तीन डिजिट, माइनस कर दो 1, तो आ गया 2 पॉइंट, मेंटिसा कितनी हो गई 2। अच्छा 100 की वैल्यू कैसे देखोगे, 10 में 0, तो आपको बता दो 10 में 0 की वैल्यू है 0000, देखो लॉग टेबल में देखो 10 में 0 की वैल्यू 0000 माइनस 0.1522 इंटू लॉग 2 की वैल्यू बेटा अभी अभी तुमने ऊपर निकाली थी 0.3010, बेटा लॉग 2 की वैल्यू अभी अभी ऊपर निकाली थी 0.3010, तो आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताओ लॉग y इज इक्वल्स टू कितना, लॉग y इज इक्वल्स टू कितना, 0.1522 इंटू 0.3010 माइनस 2, तो यार है बेटा 1.9542। लेकिन बेटा ये जो 1.9542 है ये तो लॉग वैल्यू है, मुझे नॉर्मल वैल्यू लेनी है तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, तो मुझे यहां पे लेना पड़ेगा एंटी लॉग, तो मुझे लेना पड़ेगा एंटी लॉग, लॉग y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.9542। बेटा मैंने दोनों साइड में एंटी लॉग ले लिए, अब देखो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, और एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा y इज इक्वल्स टू, अब मुझे एंटी लॉग निकाल के बताओ 1.9542 का, 1 मेंटिसा है इसे इग्नोर कर दो। अब आप एंटी लॉग टेबल में देखो 0.95 में 4 और 2 का मीन डिफरेंस ऐड कर दो, बेटा फटाफट से एंटी लॉग टेबल देखो, अरे वर्चुअल वाले बच्चों तुम भी तो देखो एंटी लॉग टेबल निकालो फटाफट, हां जी
अब जरा ध्यान से देखें। हां जी, ये लीजिए बेटा, मैं आपको एंटीलॉक टेबल देख के बताता हूं और मुझे वैल्यू ढूंढनी किसकी है, 9542 की। तो लीजिए बेटा 0.95 में मैंने देखा 4, तो बेटा मेरी वैल्यू आ रही है 8995, ठीक है, और इसमें 2 का मीन डिफरेंस देखो कितना है, 4, तो बेटा मेरा आ रहा है 8999। तो ये लीजिए बेटा, मेरा आ रहा है 8999 और 8999 को मैंने यहां पे लिख दिया y इज इक्वल्स टू 8999, चलेगा। अच्छा ये बताओ, मेरा मेंटिसा वन है, तो आप मुझे बताइए मुझे डेसिमल लगाना है कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। तो ये 2 डिजिट के बाद में मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये हो गया 89.99। तो आप मुझे बताइए बेटा y इज इक्वल्स टू आ रहा है 89.99। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप 2 यूनिट बनाते हो तो आपको बेटा हर एक यूनिट बनाने में जो एवरेज टाइम लगेगा वो 89.99 आवर्स का लगेगा। दैट मींस आपको टोटल टाइम 179.98 आवर्स का लगेगा, 179.98 आवर्स का लगेगा। वैसे अगर मैं चाहूं तो 89.99 को क्या मैं राउंड फिगर में 90 लिख सकता हूं? हां जी बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अच्छा चलो थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। ये बताओ अगर मैं 3 यूनिट बनाता हूं, अच्छा एक बात मुझे बताओ, पहला यूनिट बनाने का काम खत्म हुआ 100 घंटों में और दूसरा यूनिट, 2 यूनिट बनाने का टोटल टाइम लगा 180 घंटे, तो यार सेकंड यूनिट बनाने में तो 80 आर सी लगे ना। हां जी ओके, अब मुझे बताओ तीसरा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा, क्या ये डायरेक्टली निकाल सकता हूं या फिर लर्निंग कर्व में आप सिर्फ ये कैलकुलेट कर सकते हो कि 3 यूनिट बनाने में एवरेज टाइम कितना लगा, आप सिर्फ ये निकाल सकते हो, सही बात है? तो आप 3 यूनिट बनाने में आपको ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगा, आप ये निकाल सकते हो। तो चलो भाई निकालेंगे अभी, वर्किंग नोट नंबर 2, 3 यूनिट्स। अगर आप 3 यूनिट बनाते हो तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी, y इज इक्वल्स टू पहला यूनिट बनाने में लगे 100 घंटे। ये काम मैं तीसरी बार सीख रहा हूं, देखो x का मतलब आप टोटल यूनिट कितने बना रहे हो, 3, इसका मतलब आप ये काम कितनी बार सीख रहे हो, 3 बार। लर्निंग कर्व कॉफिशियंट है -0.1522। अच्छा ये बताओ, वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया यार, सिखाऊं क्या? मेरे पास इसे डायरेक्टली सॉल्व करने का भी तरीका है कैलकुलेटर पे, मैं इसे कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है? अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते, सीखोगे क्या कैलकुलेटर पे? सिखाऊं पक्का? चलो देखो ये कैसे करते हैं, 2, ये किस बेस क्या है, 2 की पावर है ना, तो आप 2 को अंडर रूट करो 12 बार, अंडर रूट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बेटा मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है 1.0001692, इसमें से माइनस कर दो 1। अरे कर रहे होगे तुम वर्चुअल वाले बच्चों, तुम भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो बराबर शुरू करो, 2 को अंडर रूट कर लो 12 बार और माइनस कर दो 1। तो बेटा मेरे पास -1 करने के बाद में बचा 0.001692। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो जो भी आपकी पावर है, पावर क्या है 1522 और वो भी माइनस में, 0.1522 वो भी माइनस में, कर लिया मल्टीप्लाई? हां जी बेटा, मेरे पास आ रहा है माइनस में 0.00025758। अब इसमें वापस प्लस कर दो 1,
वापस प्लस किया 1, ठीक, आपके पास आ रहा है 0.9997424। अब इसे करो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 3, ऐसा 12 बार करना है। 3 बार हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बेटा मेरे पास आ रहा है 0.89986, मतलब 89.99। बेटा मेरे पास आ रहा है 89.99, 0.899, यार है, इसे इंटू कर लो 100 से, ये तो आपके पास आंसर आ जाएगा सीधे 89.99। देख लो सेम आ रहा है, देख लो आपके पास सेम आंसर आ गया 89.99। ठीक है, अच्छा मैं तुमको बताता हूं कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहला बेस को अंडर रूट करना है 12 बार, ठीक है, फिर जो भी आए उसमें से माइनस कर दो 1, ठीक है, फिर जो भी आए उसे मल्टीप्लाई कर दो पावर से, जो भी आपकी पावर है उस पावर से मल्टीप्लाई कर दो, कर लिया। ऐसा करने के बाद में फिर करो प्लस, उसमें वापस प्लस कर दो 1, ठीक है, वापस प्लस कर दिया 1, और फिर ये जो पूरा अमाउंट आया इसका 12 बार स्क्वायर कर दो, इंटू इज इक्वल्स टू कर रहे थे ना, तो 12 बार आपने स्क्वायर ही तो किया, इंटू इज इक्वल्स टू, इंटू इज इक्वल्स टू, इंटू इज इक्वल्स टू, तो उसे 12 बार मल्टीप्लाई कर दो। बेटा आप मुझे बताइए बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? अब जरा चलो एक काम करते हैं, इसको अपन लोग पहले लॉक से करेंगे और लॉक से करने के बाद में फिर इसे शॉर्टकट से करके देखेंगे। चलो सबसे पहले आप दोनों साइड में लॉग ले लो, तो दोनों साइड में मैंने लॉग ले लिया, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग 100 माइनस पावर पहले आ जाएगी माइनस 0.1522 लॉग 3, माइनस 0.1522 लॉग 3, तो आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू 2.0000 माइनस 0.1522। बेटा जल्दी से लॉग 3 की वैल्यू बताओ, लॉग 3 की वैल्यू कैसे देखोगे, 30 में 0, हां जी, तो लॉग 3 की वैल्यू आपको देखनी है 30 में 0, तो बेटा 30 में 0 आ रहा है 0.4711, तो लीजिए बेटा ये आ जाएगा 0.4711, 4771 है यार, 4771, तो यहां पे आएगा log y इज इक्वल्स टू 0.4771 इंटू 0.1522 और माइनस कर दो 2, तो ये आ जाएगा 1.9274, चेक कर लेना। अब दोनों साइड में एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग log y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.9274, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू, बेटा मेंटिसा को भूल जाओ, आपको वैल्यू देखनी है 0.9274 की, बेटा 0.9274, तो एंटी लॉग में 0.9274 की वैल्यू देखनी है, कैसे देखें, 0.9274 की वैल्यू देखनी है, तो 0.92 में आप देखो 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 3, ठीक है, और 4 का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, 4 का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 8, तो 8, 4, 5, 3 प्लस 8, दिख रहा है क्या, 8, 4, 5, 3 प्लस 8, तो ये आ गया 8, 4, 6, 1, तो लीजिए 8, 4, 6, 1। अब बेटा यहां पे मेंटिसा क्या है, 1, तो डेसिमल लगाएंगे दो डिजिट के बाद में, तो आएगा 84.61, तो लो बेटा ये मैंने लिख दिया
तीन यूनिट बनाने पर आपका जो एवरेज टाइम आएगा वो एवरेज टाइम आएगा 84.61। तो बेटा तीन यूनिट बनाने में आपका टाइम लगेगा 253.83। बेटा सेकंड यूनिट बनाने का काम 180 घंटे में पूरा हो गया और तीन यूनिट बनाने का जो काम है हाँ जी, तीन यूनिट बनाने का जो काम है वो 253.83 मिनट्स में पूरा हुआ आर्स में। तो बेटा तीसरा यूनिट बनाने में आपको टाइम लगा 73.83 आर्स। कितना? 73.83 आर्स। पक्की बात? अच्छा बेटा, अब एक बार वो शॉर्टकट भी ट्राई करें क्या? हाँ सर, शॉर्टकट तो ट्राई करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में शॉर्टकट मत लगाना क्योंकि इस कैलकुलेशन का एक नंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस कैलकुलेशन का वेटेज एक नंबर का होगा कम से कम, इसलिए शॉर्टकट लगाओ आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे अब यहां पे 3 है तो 3 को अंडर रूट कर लो 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर लिया। माइनस कर दो 1, मल्टीप्लाई कर दो 0.1522, वो भी माइनस में, 0.1522 माइनस में। ठीक है, चलिए, तो बेटा मेरे पास में आ रहा है 0.0000408 माइनस में, नहीं आ रहा, चलो दोबारा करो, 3 को अंडर रूट करो 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.0002682 माइनस करो 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 0.1522 माइनस वाले से। बेटा ऊपर देखो एक निशान होता है प्लस माइनस का, तो 0.1522 लिखो और प्लस माइनस वाले निशान पे क्लिक कर दो, तो वो माइनस का बन जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास आ रहा है -0.00404873, इसमें वापस प्लस कर लो 1 और इसको स्क्वायर कर लो 12 बार, इंटू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा ये आ रहा है 0.84600, इंटू कर लो 100 से, ये रहा 100 इंटू 100, तो बेटा ये आ रहा है 84.60 और अपना आ रहा है 84.61। क्या ये तरीका काम कर रहा है? ठीक है, अगर तरीका काम कर रहा है तो आगे चलिए। चलिए जी बेटा, अब क्वेश्चन आता है चौथा यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है सर, बस हो गया सर, हमें आ गया। बेटा आ तो गया, लेकिन अब आपको बात सीखनी जरूरी है, कुछ नई बात आपको सिखानी है, इसलिए चौथा यूनिट भी करवाऊंगा। अब क्वेश्चन आता है, यदि आप 4 यूनिट बनाते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, 4 यूनिट्स, अगर आप 4 यूनिट बनाते हो तो एवरेज टाइम क्या लगेगा। वाई इज इक्वल्स टू, पहला यूनिट बनाने में 100 घंटे लगे, इंटू एक्स, मतलब क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है 4 यूनिट का, इज टू पावर माइनस में 0.1522। 4b, और b कितना है, -0.1522, दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 100 माइनस पावर पहले आ गई 0.1522 लॉग 4। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखें, लॉग y इज इक्वल्स टू 2.0000 -0.1522, चलो इंटू लॉग 4। बेटा 4 एक ही डिजिट है, माइनस कर दिया 1, तो मेंटिसा हो गई 0, 0 पॉइंट। अब जल्दी से मुझे वैल्यू देख के बताओ, 40 में 0, 40 में 0, 6021। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा लॉग y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.1522 इंटू 0.6021,
और बेटा 2 में से अगर आप इसे माइनस कर दोगे तो बचेगा 1.9084, 1.9084, क्लियर है। अब दोनों साइड में एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.9084, ठीक है। लीजिए बेटा एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू, अब बेटा 1 मेंटिसा को इग्नोर कर दो, आप मुझे एंटी लॉग में देख के बताओ 0.90 में 84, 0.90 में 84, ये लीजिए बेटा 0.9084 की वैल्यू मुझे बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा, बहुत सिंपल है, 0.90 में देखो 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8091, और 4 का मीन डिफरेंस ले लो वो आ रहा है 7, तो बेटा कुल मिला के आ रहा है 8098, लो भाई 8098, मेंटिसा क्या है 1, तो डेसिमल लगाऊंगा दो डिजिट के बाद, तो दो डिजिट के बाद में आप डेसिमल लगा दो, ये आ गया 80.98 को अगर मैं राउंड फिगर में बोलूं तो क्या बोलूंगा, 81, हां कि ना 81, अरे आ रहा है समझ में 81, और 4 यूनिट बनाने में मुझे टाइम जो लगेगा वो लगेगा 324, तो आप मुझे जल्दी से बताइए मुझे चौथा यूनिट बनाने में टाइम लगा 70.17, 70.17, बेटा आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, क्या आपको बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब आपको मेरी बात को और गहराई से 2-3 अब नई बातें सीखनी है। मेरे हिसाब से आप लोगों को y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर b ये सॉल्व करना तो आप लोगों को आ गया, ठीक है। ये जो आपने सारा निकाला है दीज आर स्टैंडर्ड आर्स, आपको याद रहेगा बेटा लर्निंग कर्व में आप एक्चुअल टाइम कैलकुलेट नहीं करते, आप एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करते हो, और एक्सपेक्टेड टाइम का मतलब आप कैलकुलेट कर रहे हो स्टैंडर्ड आर्स, क्या कैलकुलेट कर रहे हो स्टैंडर्ड आर्स, क्या कैलकुलेट कर रहे हो स्टैंडर्ड आर्स, ओके। तो ये ध्यान रखना ये सब स्टैंडर्ड आर्स हैं, एक्सपेक्टेड टाइम। अब आपको बताता हूं जब लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट के विशेषज्ञों ने जब इसे बार बार करके देखा तो बार बार करने पर उन्हें समझ में आया कि जब आपका क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन डबल होता है तो आपका एवरेज टाइम डायरेक्टली 90% ही निकलकर आता है। जैसे आपका क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन था 1, अब आपका प्रोडक्शन 1 से हो गया 2, तो आप डायरेक्टली 100 का 90% निकाल सकते थे 90, ठीक है। जब आपका प्रोडक्शन 2 से हो गया 4, तो आप देख लो आप 90 का 90% डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे 81। तो आप ये ध्यान रखना कि जब आपका क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन डबल होता है तो आप डायरेक्टली लर्निंग कर्व रेशो से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको टाइम कितना लगेगा। जैसे पहला यूनिट बनाने में 100 घंटे लगे एवरेज, तो 2 यूनिट बनाने का एवरेज हो जाएगा सीधे इसका 90% 90, 2 से जब 4 यूनिट होंगे तो डायरेक्टली 90% हो जाएगा 81, एंड सो ऑन। अब जैसे मान लो 5 यूनिट है तो 5 किसी का डबल नहीं है, वो मुझे ए एक्स पावर बी से ही निकालना पड़ेगा, सुन रहे हो। लेकिन अगर मैं 6 यूनिट बनाता हूं तो 6 यूनिट बनाना क्या ये 3 का डबल है, क्या ये 3 का डबल है, तो मैं डायरेक्टली 84.61 का 90% कर सकता हूं, 84.61 का 90% 76.15, मेरी बात समझ में आ रही है। अब 7वां यूनिट जो है उसके लिए मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि वो किसी का डबल नहीं है, लेकिन 8 यूनिट वो 4 का डबल है तो मैं डायरेक्टली 90% करके निकाल सकता हूं। तो आप ये ध्यान रखना जितने भी ऑड नंबर्स हैं, ठीक है,
उन सब का तो निकलेगा हाँ फॉर्मूला से, और जो इवन नंबर वाले हैं उनका डायरेक्टली निकल सकता है। बेटा क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात, अब एक और बात सीख लो, सुनो सुनो बेटा, अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो बात अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे काम आएगा अब सवाल को करवाने के लिए। बेटा अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी लर्निंग वाली स्टेज चार यूनिट पे खत्म हो जाती है, इसका मतलब अब आप मुझे बताओ चार यूनिट बनाने के बाद अगर मेरी लर्निंग वाली स्टेज खत्म हो गई तो अब ऑब्वियस ही बात है अब आगे मैं जो भी यूनिट बनाऊंगा उसमें 70.17 आवर्स ही लगेंगे, क्योंकि अब और आगे यूनिट बनाने में लर्निंग का कोई भी स्कोप नहीं है। तो सवाल कह रहा है आपकी लर्निंग वाली स्टेज खत्म हो चुकी है, और बेटा यदि मेरी लर्निंग वाली स्टेज खत्म हो चुकी है इसका मतलब अब आगे मैं कितने भी यूनिट बनाऊं लेकिन मेरा टाइम कम नहीं होगा। अब सुनो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं भाई तुमने 20 यूनिट बनाए तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तो तुम कैसे कैलकुलेशन करोगे? एक मिनट जरा सुन लो, सुन लेना। चार यूनिट बनाने में, पहले चार यूनिट बनाने में बेटा जी तुमको लगे 324 मिनट या 324 घंटे। अब इसके बाद अगले 16 यूनिट तुम बनाओगे और हर यूनिट को बनाने में 70.17 आवर्स लगेंगे तुम्हें। क्यों बेटा? अब यहां पे विचार के बाद आगे के जो 16 यूनिट बना रहे हो, आगे के 16 यूनिट बनाने में तुमको 70.17 आवर्स ही लगेंगे। क्यों क्यों? क्योंकि क्योंकि यहां पे लर्निंग वाली स्टेज खत्म हो चुकी है, अब आगे तुम्हारा टाइम कम नहीं होने वाला। ठीक है, तो चार यूनिट बनाने में 324 घंटे लगे लेकिन अगले 16 यूनिट बनाने में हर यूनिट पे 70.17 आवर ही लगेंगे। तो आप मुझे बताओ 70.17 इंटू 16 प्लस 324 कुल मिला के 1446.72 आपको इतना टाइम लगेगा 20 यूनिट बनाने में। क्लियर है बात? बेटा मुझे जल्दी से बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है आपको? ठीक है, और बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है तो बच्चों आप मेरे साथ में एक सवाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हां जी, आप मेरे साथ में एक क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और ये क्वेश्चन आपको मेरे साथ में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से कॉपी कीजिए। हां जी, ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट से कॉपी कीजिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, आपके एग्जाम के लिए ये वाला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। और पता है मैं क्या सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं तुम कॉपी करो, मैं गाने वाने चला के घूमने चला जाता हूं कहीं। ठीक है, चलो तो मैं तुम्हारे लिए गाने चला देता हूं और गाने चला के मैं कहीं घूमने चला जाता हूं और तुम इसे कॉपी करो। तुम्हारे लिए पुराने सॉन्ग्स लगा दूं? तो चलिए बेटा मैं आपके लिए कुछ पुराने सॉन्ग्स लगा देता हूं। हां उतने पुराने नहीं लगाऊंगा जितना
हां जी बेटा, सो आई गेस कि मेरे पास में यहां पे स्टूडेंट्स ने कॉपी कर लिया है और मेरे पास यहां पे स्टूडेंट्स ने कॉपी कर लिया, तो मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है और आप लोग इसको लिख लीजिए। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग लिख लीजिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो सुनो मेरे साथ में। सिटी इंटरनेशनल कंपनी इज अ मल्टी प्रोडक्ट फर्म एंड ऑपरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ओके भाई, हमें कोई परेशानी नहीं है। ड्यूरिंग द मंथ जून फर्म लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट। बेटा अंडरलाइन कीजिए इस बात को, अ न्यू प्रोडक्ट। बेटा हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप लोग तो जानते ही हो बेटा कि यदि प्रोडक्ट नया होगा तो वर्कर पहली बार इस काम को करेगा, और ऑब्वियस ही बात है वर्कर अगर पहली बार इस काम को करेगा तो ऑब्वियस ही बात है बेटा यहां पर लर्निंग वाली स्टेज शुरू हो जाएगी, और जब लर्निंग वाली स्टेज चलेगी तो लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट भी चलेगा। ओके, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय सीनियर अकाउंटेंट इज एज फॉलोज। और सीनियर अकाउंटेंट की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो आपके सामने इस प्रकार है। बजट आपको दे रखा है, एक्चुअल आपको दे रखा है, लेकिन आप एक बात का खास ध्यान रखना बेटा जी, इधर आप ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर नहीं करते। आउटपुट आपको दे रखा है 30 यूनिट्स और एक्चुअल दे रखा है 25 यूनिट्स। ओके, डायरेक्ट लेबर आवर्स मुझे दे रखा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मुझे भी दे रखा है। सवाल कह रहा है सीनियर अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द न्यू प्रोडक्ट ऑन सर्टेन अजम्पशन, बट लेटर ऑन ही रियलाइज दैट न्यू प्रोडक्ट हैज सिमिलैरिटीज विद अदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ लर्निंग शुड बी 80% एंड दैट द लर्निंग वुड सीज आफ्टर 15 यूनिट्स। बेटा सवाल ये कह रहा है सीनियर मैनेजर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रहा था और सीनियर मैनेजर ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते टाइम देखा कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये तो हमारे पुराने प्रोडक्ट से कुछ मिलता जुलता है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये पुराने प्रोडक्ट से मिलता जुलता है तो आपकी लर्निंग स्पीड ज्यादा तेज होगी। तो उसने बोला साहब हमें ये पता चला कि हमारी तो लर्निंग स्पीड, जो हमारा लर्निंग कर्व रेशियो है वो 80% है और हमारी लर्निंग स्टेज 15वें यूनिट पे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब 15वें यूनिट में जो आपको टाइम लगा वही टाइम आपको आगे के यूनिट्स में लगेगा। ओके, अदर बजट अजम्पशन फॉर द न्यू प्रोडक्ट रिमेन वैलिड। ओके, द ओरिजिनल बजट फिगर्स आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट लेबर अर्निंग, लेबर हैज लर्निंग रेट ऑफ 90% एंड लर्निंग विल सीज आफ्टर 20 यूनिट्स। सवाल कह रहा है ऊपर जो बजट आपको दे रखा है उस बजट में यह माना गया था कि लर्निंग रेट 90% होगी और लर्निंग स्टेज 20 यूनिट के बाद में खत्म होगी, लेकिन एक बात मुझे जल्दी से बताओ कि क्या हम लोग वेरिएंसेस निकालने के लिए बजट और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं? नहीं, हम लोग कंपेयर करते हैं किसको? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को। तो बजट में अगर आपने कुछ गलती भी कर रखी है तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा इस बात से? नहीं। सवाल कह रहा है लर्निंग विल सीज आफ्टर 20 यूनिट, देयर आफ्टर द टाइम पर यूनिट विल बी द सेम एज द टाइम ऑफ द फाइनल यूनिट ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड दैट इज 20th यूनिट। और ये बोल रहा है भाई लर्निंग वाली स्टेज 20 यूनिट पे खत्म हो जाएगी, तो 20वें यूनिट में जो टाइम लगेगा वही आगे अब हर यूनिट में लगेगा, वो तो हम पहले ही जानते हैं। द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट इज 10 आवर्स। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला यूनिट बनाने में आपको टाइम कितना लगा? 10 घंटे। आपसे सवाल कह रहा है शो द वेरियंसेस दैट रिकनसाइल एक्चुअल लेबर फिगर्स विद रिवाइज्ड बजटेड फिगर्स। बेटा रिवाइज्ड बजटेड फिगर्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, इन एज मच एज डिटेल एज पॉसिबल। ठीक है, तो बेटा आपको वेरियंसेस निकालने और रिकनसिलेशन करना है जितना डिटेल में हो सके उतना। अच्छा, लेकिन एक बात इसमें ध्यान से देखो, इसमें वर्कर लेबर सिर्फ एक ही तरह की है और लेबर सिर्फ एक ही तरह की है, तो यहां पे मिक्स वेरियंस और सब एफिशियंसी वेरियंस नहीं निकलेगा। ओके, लर्निंग इंडेक्स वैल्यू आपको 90% और 80% की दे रखी है, लेकिन तुम जानते हो 90% वाली किसी भी काम नहीं आएगी, 80% वाली काम में आएगी 0.152 और 0.322। आपको याद है ये अपन ने निकालना सीखा था,
अपने लर्निंग कर्व कॉफिशियंट की वैल्यू निकाल रखी है, आप देख लो यही थी 90% पे थी 0.1522 और 80% पे थी 0.3219। ठीक है, अब सुनो, लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है, लॉग 3 की वैल्यू दे रखी है, लॉग 5 की दे रखी है। हां जी, अपने को यहां पे लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5, लॉग 7 और एंटी लॉग की वैल्यूज भी अपने को दे रखी हैं। क्लियर है बात दोस्त? एक बात का मुझे आराम से जवाब देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम अगर बिल्कुल दिमाग लगा के मुझे जवाब दे पाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस एग्जाम्पल का अब मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, या सॉल्यूशन से पहले मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1। मेरे एक बात बताओ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए क्या हम 2 कॉलम बनाते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल? स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड रेट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आर्स, एक्चुअल रेट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। बेटा एक्चुअल कॉस्ट हमेशा एक्चुअल आउटपुट की होती है, जो कि सवाल में 25 यूनिट्स हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी एक्चुअल आउटपुट की होती है और एक्चुअल आउटपुट 25 यूनिट्स हैं। इज इट ऑल राइट और नॉट? बेटा अब आप मुझे बताओ कि मेरी यहां पे ध्यान से देखो कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो 25 यूनिट का है, तो आपको यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट भी 25 यूनिट की निकालनी पड़ेगी। एक बात, नंबर 2, दूसरी बात सुन लेना तुम ध्यान से। नंबर 2, 25 यूनिट में सवाल ये कह रहा है आपकी लर्निंग वाली स्टेज 15 यूनिट के बाद में खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब 16 से लेकर 25 तक वही टाइम लगना चाहिए जो 15वें यूनिट में लगा है। बोलिए बेटा, क्या ये बात बिल्कुल सही है? अच्छा, अब जरा सवाल को देखो, एक्चुअल आर्स के बारे में देख लो। एक्चुअल आर्स हैं आपके 118.08, ठीक है, और आपकी जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है वो है 79704। तो आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि आपके एक्चुअल आर्स हैं 118.08 और आपकी जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है वो है 79704। तो आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि क्या आप यहां पे एक्चुअल रेट निकाल सकते हैं? 675, डन। लेकिन स्टैंडर्ड में सारा झंझट है, स्टैंडर्ड इतनी आसान नहीं है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या बजट में भी रेट स्टैंडर्ड ही होती है? पर आर रेट तो वही होगी। तो आप जरा ध्यान से देखो, आपकी बजटेड लेबर कॉस्ट है 119,288, 119,288, और बेटा आपके बजटेड आर्स कितने हैं? 180.74, 180.74। तो लीजिए बेटा 119,288 डिवाइडेड बाय 180.74, तो आपकी स्टैंडर्ड रेट आ रही है 660। बेटा आपको पता है परार रेट तो बजट में भी वही होगी और स्टैंडर्ड में भी वही होगी, परार रेट में फर्क थोड़ी आएगा। लेकिन अब मेन जो क्वेश्चन आपका रह गया वो ये कि इस सवाल में 15 यूनिट तक लर्निंग स्टेज है और 15 यूनिट के बाद आपकी लर्निंग स्टेज खत्म हो जाती है, तो यहां पे स्टैंडर्ड आर्स आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, सुनना इधर। अगर ये रेगुलर प्रोडक्ट होता तो मैं क्या कहता, ये रेगुलर प्रोडक्ट होता तो मैं कहता भाई एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं तो 25 यूनिट बनाने में 250 घंटे लगेंगे। क्या मैं ऐसा कहता? भाई पहला यूनिट बनाने में 10 घंटे लगे, है ना, तो मैं सीधे कहता भाई एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं तो 25 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 250 घंटे। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्रोडक्ट में लर्निंग की वजह से टाइम कम नहीं होता, क्योंकि रेगुलर प्रोडक्ट की लर्निंग वाली स्टेज बरसों पहले निकल चुकी होती है, हां कि ना? लेकिन क्योंकि इस सवाल में लर्निंग स्टेज इन्वॉल्व है 15 यूनिट तक, तो बेटा आप ये वाला तरीका नहीं लगा सकते। अब आपको लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और यहां पे आता है वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आर्स। अब आपको यहां पे स्टैंडर्ड आर्स कैलकुलेट करने हैं। कॉलम बना लीजिए क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, एवरेज लेबर आर्स पर यूनिट, टोटल लेबर आर्स, और लास्ट मैंने एक कॉलम बना दिया रिमार्क्स। हां जी बेटा, आई थिंक अब आप लोग सब लोग बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। पहला यूनिट बनाने में 10 घंटे लगे, तो आपका एवरेज भी 10 हो गया, टोटल भी 10 हो गया, ठीक है। लर्निंग वाली स्टेज कब खत्म हो रही है? 15वें यूनिट पर। तो आप मेरे साथ निकालो 14 यूनिट बनाने का टाइम और 15 यूनिट बनाने का टाइम, तभी तो तुम्हें 15वें यूनिट का टाइम पता लगेगा, तभी तो तुम्हें पता चलेगा 16 से लेकर 25 तक हर यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। सही बात है? तो जरा ध्यान से देखो 14वें यूनिट में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आइए बेटा वर्किंग नोट नंबर 3, 14 यूनिट्स, y इज इक्वल्स टू a, a मतलब पहला यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा 10, इंटू x मतलब क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन 14। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा लर्निंग कर्व रेशियो कितना है? 80%। और लर्निंग कर्व रेशियो अगर तुम्हारा 80% है तो तुम्हारा लर्निंग कर्व कॉफिशियंट हो गया -0.322। हां जी, तो यहां पे आ जाएगा लॉग ले लो, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 10 -0.322 लॉग 14। चलेगा? अब रुक जाओ यार, जरा टेबल जरा क्वेश्चन को देखो, तुम्हें लॉग 14 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो मैं ऐसा सोच रहा था लॉग 10 -0.322 0.322, मैं सोच रहा हूं लॉग 14 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग 2 इंटू 7। बेटा 14 की जगह मैं 2 इंटू 7 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। अगर मैं 2 इंटू 7 लिख सकता हूं तो क्या ये ऐसा हो जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग माइनस 0.322 इंटू ब्रैकेट में लॉग 2 प्लस लॉग 7। बेटा मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो लॉग 2 प्लस लॉग 7। तो आप मुझे बताइए लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1.0000 माइनस 0.322 इंटू। अब आप मुझे बताइए लॉग 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010, कई बार निकाल चुका मैं। लॉग 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस लॉग 7 की वैल्यू, देखो क्वेश्चन में गिवन है, लॉग 7 की वैल्यू देखो, इधर देखो लॉग 7 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.8451, लिख दो 0.8451, तो आएगा लॉग y इज इक्वल्स टू 0.3010 प्लस 0.8451 इंटू 0.322 माइनस 1। तो यार है बेटा 0.6309 ऐसा कुछ आ रहा है। अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लॉग y
इज इक्वल्स टू एनटी लॉग 0.6310। बेटा जरा क्वेश्चन में देखो, आपको एनटी लॉग वैल्यू दे रखी है 6213 की, 6213 की एनटी लॉग वैल्यू दे रखी है, 4.181 ले लूं इसे। बेटा डेसिमल डिफरेंसेस की वजह से ये थोड़ा हल्का फुल्का सा फर्क है, तो ये आ जाएगा 4.181। ये लीजिए बेटा, तो y इज इक्वल्स टू 4.181, y इज इक्वल्स टू 4.181 आ रहा है बेटा, 4.181। तो ये लीजिए बेटा, मैंने लिख दिया 4.181 इंटू 14, ये आ जाएगा 58.53। चलेगा बेटा। अब मुझे बताओ 15 यूनिट बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 4। 15 यूनिट्स, y इज इक्वल्स टू, पहला यूनिट बनाने में 10 घंटे लगे, इंटू एक्स 15 माइनस 0.322, पावर में आ जाएगा माइनस 0.322। लॉग ले लीजिए, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 10 माइनस 0.322 लॉग 15। अब सवाल में मुझे log 15 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं इसे बदल के लिखूंगा log y इज इक्वल्स टू log 10 माइनस 0.322 log 15 की जगह मैं लिख दूंगा 3 इंटू 5। बेटा 15 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 5, तो आएगा log y इज इक्वल्स टू 1.0000 माइनस 0.322। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए log 3 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में देखो log 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.47712, 0.47712 प्लस log 5 की वैल्यू देखो, log 5 की वैल्यू दे रखी है 0.69897, तो यहां पे आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू 1 माइनस, या चलो सॉल्व करके पूरा ही लिख देता हूं, 0.47712 प्लस 0.69897 इंटू 0.322 माइनस 1, तो बेटा ये आ रहा है 0.62129 या 6213 आ रहा है मेरा बेटा, 6212 आ रहा है मेरा, तो हां जी। और इसका एंटी लॉग देखो बेटा, 6213 का एंटी लॉग है 4.181। हां जी 4.181, ये कैसे, अच्छा 6213 का देखना है ना, 6213 बेटा, क्या हमने पिछली बार गलत ले लिया, बेटा पिछली बार आपको एंटी लॉग लेना था 6310 का, और 6310 का है 4.275, ये ध्यान से देखो बेटा, 0.63096 का मतलब क्या है, 6301, 4.275 लेना था पिछली बार, 4.275, पहले तो पुराना वाला सही करो, 4.275 और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 4.275 इंटू 14, 59.85। ओके अब 15th यूनिट में देखो, 6213 का जो एंटी लॉग है
6213 का एंटी लॉग है 4.181, तो y इज इक्वल्स टू 4.181। लो भाई 4.181, तो 4.181 इंटू 15 यूनिट्स, आपको टाइम लगेगा 62.715। हां जी 62.715। अब आप मुझे बताइए टाइम पर यूनिट फॉर 15th यूनिट, 15वां यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा? बेटा 15वां यूनिट बनाने में टाइम लगा 2.865 आवर्स। बेटा 15वां यूनिट बनाने में टाइम लगा 2.865 आवर्स। अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, तुम जवाब दोगे। मैं तुमसे जानना चाहता हूं 25 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो आप देखो, पहले 15 यूनिट बनाने में टाइम लगेगा 62.715। बेटा पहले 15 यूनिट बनाने में जो टाइम लगना चाहिए वो 62.715 है, प्लस उसके बाद लर्निंग वाली स्टेज खत्म हो गई। और बेटा लर्निंग वाली स्टेज खत्म हो गई तो 15 के बाद अब अगले जो 10 यूनिट है उनमें उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम 15वें यूनिट को बनाने में लगा था। तो 2.865 इंटू 10 प्लस 62.715, तो आपको 25 यूनिट बनाने में टाइम लगेगा 91.365 आवर्स। 91.365 आवर्स। हां जी बेटा आप मुझे बताइए, क्या 25 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम मैंने निकाल लिया 91.365? और ये लीजिए बेटा 91.365, ये मेरे स्टैंडर्ड आवर्स हैं, इंटू 660 मेरी स्टैंडर्ड रेट है, तो बेटा मेरी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगी 60300.9। ठीक है बेटा, अब अगर मैं आपको बोलूं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल दो तो क्या निकाल सकते हैं? चलो सॉल्व करूं, ये सारा वर्किंग नोट है, अब शुरू होता है सॉल्यूशन। आप पहला पार्ट कर दीजिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तीनों की तीनों वेरिएंसेस यहां पे निकाल दीजिए। ये काम मैंने वर्किंग नोट नंबर 2, 3, 4 की सहायता से किया है। ये स्टैंडर्ड आर्स मैंने वर्किंग नोट नंबर 2, 3, 4 की सहायता से निकाले हैं। अब दोस्त जल्दी से आप लोग फटाफट से, अब आप लोग यहां पे बेटा आपको ये वाली बात समझ में आ गई क्या कि 15 यूनिट बनाने में टाइम लगेगा 62.715, लेकिन 15वें यूनिट के बाद लर्निंग वाली स्टेज खत्म हो गई, तो 15 यूनिट के बाद अगले 10 यूनिट तक उतना ही टाइम लगेगा जितना कि 15वें यूनिट में लगा था। ठीक है, चलिए बेटा लेबर कॉस्ट वेरियंस मैं निकालूं क्या तुम्हारे लिए? लेबर कॉस्ट वेरियंस 60300.9 - 79704 1940.3 adverse। लेबर रेट वेरियंस आएगा 660 - 675 × 118.08, यह आएगा 1771.2 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा 91.365 - 118.08 × 660,
ये आ जाएगा 17631.90 एडवर्स। बेटा यही आ रहा है, ये आपके सवाल का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है रिकंसिलेशन करके बताओ, और ध्यान से देखो बेटा, रिकंसिलेशन आपसे पूछा है रिवाइज्ड का, सुनना, रिवाइज्ड बजटेड कॉस्ट का एक्चुअल कॉस्ट के साथ। रिवाइज्ड बजटेड कॉस्ट बोलूं या स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट बोल दूं, एक ही बात है। तो बेटा हमारी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है 60300.9, ठीक है। अब लेबर रेट वेरिएंस 1771.20 एडवर्स। बेटा एक बात बताओ, अगर मेरी मेरा लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स है, इसका मतलब मेरी एक्चुअल कॉस्ट मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है। तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में वेरिएंस को जोड़ने पर एक्चुअल कॉस्ट तक पहुंचूंगा। बेटा ऑब्वियस बात है, आपको ज्यादा वाली चीज तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एड। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी एडवर्स है 17631.90, ये भी एडवर्स है, जोड़ दो। तो ऐसा करने पर आपके पास आएगा एक्चुअल लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट आपकी आ जाएगी 79704। ये लो, तो मैंने यहां पे रिवाइज्ड बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ में रिकंसाइल भी करवा दिया, ठीक है। तो बच्चों ये लीजिए, मैंने यहां पे सवाल कर दिया है, और आप ध्यान से देखो, अगर आप रेगुलर प्रोडक्ट का सवाल करते हो तो वहां पे लर्निंग कर्व का इफेक्ट नहीं आता, इसलिए आप लोग स्टैंडर्ड आर्ट्स डायरेक्टली निकाल लेते हो, और अगर आपका नया प्रोडक्ट है और वो लर्निंग स्टेज से गुजरता है तो आपको स्टैंडर्ड आर्ट्स निकालने के लिए लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहां पर करके बताया। बच्चों आप लोग सब लोग ये वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना, जो मैंने नोट्स आप लोगों को लिखवाए लर्निंग कर्व के बारे में, उनको दोबारा समझना, और फिर आप लोग इस सवाल को दोबारा करना, तभी जाकर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए स्ट्रांग होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो लर्निंग कर्व वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग आगे और बहुत सारे चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये लगातार ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए रिवाइज होता जाएगा, लगातार हम बार बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जाएंगे, तो लास्ट तक पहुंचते ये कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देके करिएगा, ओके।